इस दुनिया में हर इंसान एक जैसे नहीं होते, इसलिए इस दुनिया में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने जीवन साथी के साथ एक बार शादी के बंधन में बंधने के बाद जीवन भर इस रिश्ते को प्यार और विश्वास के साथ निभाते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस पति पत्नी के रिश्ते की गहराई को नहीं समझ पाती है और अपने जीवन साथी को धोखा देते हैं, लेकिन इस चीज का हम पता नहीं लगा पाते कि कौन सच्चा और कौन धोखेबाज। ज्योतिष शास्त्र में ऐसी कई बातें बताई गई हैं जिसके बारे में यदि हम जानकारी रखते हैं तो हमें जीवन में कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। जैसे कि ज्योतिष शास्त्र में ऐसी दो राशियों के बारे में बताया गया है जिसके जातक अक्सर अपनी पत्नी को प्यार में धोखा देते हैं और वो अपनी पत्नी होने के बावजूद भी पराई स्त्रियों की ओर आकर्षित होते हैं, जिसके कारण उनका घर परिवार कभी नहीं बस और जिस लड़की की भी शादी इनसे होती है वो जिंदगी भर दुखी रहती है। तो आइए जानते हैं कौन सी है वो तीन राशियाँ। मीन राशि। ज्योतिष की माने तो इस राशि के पुरुष शादी के बाद अपनी पत्नी में तमाम तरह के दोष निकालने लगते हैं। इतना ही नहीं, इस राशि वाले पुरुषों में अपनी पत्नी के प्रति असुरक्षा का भाव बना रहता है। अक्सर इस राशि के पुरुष पराई स्त्रियों की तरफ आकर्षित होते हैं, जिससे इनकी पत्नी इनसे काफी नाराज रहती है और घर में क्लेश बना रहता है। वृषभ राशि। इन्हें काफी शांत और अच्छे स्वभाव वाला माना जाता है, लेकिन इस राशि के पुरुष शादी के बाद अपना निजी मकसद पूरा करते हैं। ये अपनी पत्नी को धोखा नहीं देते, लेकिन इसके बावजूद दोनों के रिश्ते मनमुटाव रहता है। कया राशि। इस राशि के पुरुष काफी टैलेंटेड माने जाते हैं, लेकिन ज्योतिष की माने तो शादी के बाद ये अपनी पत्नी पर नियंत्रण बनाने की कोशिश करते हैं। इन्हें अपनी पत्नी की आवाज दबाने वाला माना जाता है। ये अक्सर अपनी पत्नी में कमियां निकालते हैं और अपनी पत्नी से कभी भी संतुष्ट नहीं रहते, जिसके चलते पराई स्त्रियों के साथ संबंध रखते हैं।